विभीषण प्रसाद। क्या करते हैं? मोटर मैकेनिक वाला काम। चुनाव में वोट किसे दे रहे हैं आप इस बार? चुनाव में तो बाबू किसी को वोट देना ही है, लेकिन विश्वास किसी पर नहीं है, कोई नेता पर नहीं। क्यों? विकास के नाम पर वोट लेते करते हैं वही जो उसके मन में रहता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने बहुत सुशासन किया आपके यहाँ। कौन कहता है कि काम नहीं करते हैं? कोई ऐसा राजा बना जो कहता है कि काम नहीं करते? सब तो कहवे करते हैं, काम करते हैं, और कुछ दिन के बाद जेल चल जाते भी है, सत्यापित है, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अकेला तो सब जेले जीते रहते, ये भी देखे ना, हम कुछ देखे। आप भी भारत के नागरिक है, हम भी हैं, लेकिन लोकतंत्र पे हम बोल सकते हैं जो मन में आवे, यही सत्य है। कुछ बोलिए, भ्रष्ट हमारा आपकी सुनिए, हमारा हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें दाग नहीं लगा। आप ही बताइए कोई ऐसा विभाग है जिसमें कि दाग न लगा हो? तो क्या आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है? कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें दाग न लगा। मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब तो दागदार है, बाबा झटको नंग दाद है, कहाँ विश्वास कीजिएगा? किस पर विश्वास के? घर घर में विश्वास खत्म हो चुका है, आप क्या कीजिएगा? अच्छा, तो लालू जी में और नीतीश जी में, इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा लगता है आपको? और तीर राम बिलास जी और लालू जी सब तो एक के खेमा के थे, एक खेमा के थे बाबू, किसको क्या कहा जाए। पिछली बार किसे वोट दिया था आपने? पिछली बार किसको दिए? रात के चल गया भाजपा में, अब रे किसको क्या करेंगे? विश्वास मेन है ना, कि विश्वास नहीं होता बाबू। अच्छा, विश्वास नहीं होता है किसी पर। भाई नेता जा सब एक ही रहता, वकील वाला बात है कि दोनों लड़ता है और फिर एक जमा चाय नाश्ता करता, वही नेता। नेता के बेटा नेता की कोई जरूरी नहीं है कि नेता। मोदी जी का तो बेटा नहीं है, मोदी जी का बेटा नहीं है, सारा तो बाबा झटके ने राज्य कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मोदी जी राजनीति की परिभाषा मालूम नहीं है, नेता बन गए, लिखने की नहीं आता, नेता बन गए को मतलब हुआ क्या है परिभाषा? हम नहीं जानते, परिभाषा होनी चाहिए, नेता का भी परिचय होना चाहिए कि राजनीति करने लायक है कि नहीं, तब नेता में उतरना चाहिए। आप कहाँ तक पढ़े सर? मैट्रिक तक। बहुत सही से नेता है बाबू की, निरक्षर है ना, जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? अरे नेता के अंदर को गुण होना चाहिए कि सारा हिंदुस्तान को जो जनता हो उसका सुरक्षित रखे, बढ़िया से जो जिस लायक है उस लायक काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, वही नेता का मतलब है। आप क्या करें विशेष विशेष क्या है? धन्यवाद। विशेष आप कुछ नहीं करें। आपको पता है तेजस्वी कहाँ तक पढ़ा है? वो तो जानते हैं कि कोई अठमा कोई मैट्रिक को पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे? हम कहाँ पढ़े हैं? और नेता खाली भाषण देता, अपने राशन खा जाता, वही नेता होता है। आप बताएंगे भाई सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? राधे श्याम भारती। क्या करते हैं आप? रोजगार करते हैं सब्जी के। सब्जी का रोजगार करते हैं, बढ़िया काम करते हैं आप तो। किसे चुनाव जीतवा रहे हैं इस बार? हाँ, चुनाव किसे जीतवा रहे? जो अगला बार जीतवाए थे महागठबंधन को, इसी बार वो जीतवाएंगे? हाँ जी, पलटी मार को नहीं। वो पलटी मार गए बाद में तो? हाँ, वो तो पलटी मार गए तो? पलटी मार को नहीं, महागठबंधन को जीता रहे हैं। पिछली बार पलटी मार गए ना एक, तो वो तो चल गए पलटी मार, 420 कुमार। अच्छा, 420 कुमार क्यों कहते हैं उन्हें? नीतीश उर्फ 420। कुछ लोगों ने हमने बात की थी तो उन्हें कुर्सी कुमार भी कह रहे थे। कुर्सी कुमार भी है, ठीक है। और वो कहते हैं उन्हें बहुत सुशासन किया है। बहुत किए हैं सुशासन और भाषण। अच्छा, क्या 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 किया उन्होंने? नाराज कर दिए हैं राशन, पलायन वाला को वहीं रुको। अच्छा, तो जहाँ कुर्सी से उनका प्रेम बहुत अटूट है सब। आपका कौन है, कौन खड़े हैं आपके यहाँ पे इस बार? माननीय अनुरुद्ध कुमार जी खड़े हैं। अच्छा, यहाँ बख्तियारपुर विधानसभा से। अच्छा, बख्तियारपुर का जब मैंने नाम सुना तो मैंने काफी इतिहास में नाम पढ़ा है बख्तियारपुर का, क्या कहानी है बख्तियारपुर के नाम? बख्तियारपुर के लोगों का कहना है, जो ये बख्तियार खिलजी यहाँ के शासक थे मुगल टाइम में, और नया में आए थे माननीय ददन पहलवान जो अभी डुमराव से लड़ रहे हैं। अच्छा, वो इनका नाम धरे थे बख्तौरपुर। अच्छा, लेकिन नाम है बख्तियारपुर, यही है। और क्या कह रहे हैं सर? तेजस्वी के पढ़े लिखे के बता सकते हैं? स्मृति ईरानी से तनखे साजादे। अच्छा, हाँ, जो मानव संसाधन मंत्री बनी थी। डिग्री से नहीं होता है, अपना नॉलेज होना चाहिए। ये
जी नहीं, डिग्री तो फोल्ट भी होता है, अपना अनुभव, बिना पढ़े लिखे भी आदमी आपको बहुत से बात बता देंगे जितना कि। तो मोदी जी के पास डिग्री है नहीं है, इस पर बड़ा चर्चा चलती है, एक बड़ा वो महान व्यक्ति को मैं क्या उनके पर टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। बिना पढ़े लिखा पढ़े में बहुत अंतर न है, वही कारण है हुआ, पढ़ा लिखा ला अनपढ़ में बहुत अंतर है, पढ़ा लिखल होना चाहिए। अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा पदाधिकारी निलोन में खड़ा रहता मूर्ख नेता के सामने। आप